नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हूँ आज एक नई जानकारी को लेकर के। जानकारी ज्योतिष से हट कर के है और हमारे इतिहास पर है। भविष्य के साथ साथ प्राचीन की ओर भी लौटना आवश्यक है। जैसा कि इस समय समूचे विश्व में और यहाँ तक कि भारतवर्ष में भी COVID-19 यानी कोरोना वायरस जैसी महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। कई लोगों को लगता है कि यह महामारी नहीं विनाशकारी महामारी है और पृथ्वी इससे खत्म हो जाएगी। इस धरती का अब अंतिम समय आ चुका है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप गलत हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अभी प्रथम चरण है और कलयुग के चार चरण हैं, जो कि तीन चरण अभी शेष हैं। 432,000 आयु वर्ष है इस कलयुग का, जिसका कि अभी आधा भी नहीं हुआ। यदि आप भी इस गलतफहमी में हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो आपको बता दें कि हमने कुछ पीछे स्टडी की और पीछे के इतिहास की ओर देखा। ऐसी कई बीमारियां आई जिनका उल्लेख मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में की कि ज्योतिष के माध्यम से कोरोना वायरस कब तक खत्म हो जाएगा। उसमें मैंने बताया कि हर 100 साल के बीच में एक नई बीमारी आई, प्लेग, स्पेनिश फ्लू, कॉलरा जिसको हम हैजा कहते हैं, इबोला, स्वाइन फ्लू और अब ये कोरोना वायरस। ये बात सच है कि हम इंसान इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन हमने अपने तौर तरीके बदलने की कोशिश नहीं की। आज हम विज्ञान की वजह से, यदि यह वीडियो भी बना पा रहे हैं तो विज्ञान की वजह से, विज्ञान की बदौलत हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं और न जाने आगे बहुत आगे कार्य करेंगे। संभव है विज्ञान हमें बहुत तरक्की दे सकता है, लेकिन आज भी हमने अपने खाने पीने का लहजा नहीं बदला। जहां तक पीछे की बीमारियों का सवाल, तो लाखों लोग और लाखों क्यों करोड़ों लोग हैजा जिसको कालरा कहते हैं 1800 के मध्य में आई बीमारी थी, जिसमें भारत में लगभग 15 मिलियन यानी 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को मार दिया। ऐसी बीमारी आई थी और समूचे विश्व में भी आई। 1700 से जो बीमारियां आई उसमें लगभग 1600 से 1700 के बीच में दुनिया की जनसंख्या आधी कर दी, 50% कर दी, लेकिन पृथ्वी फिर भी चली। पृथ्वी खत्म नहीं होगी, पृथ्वी का एक निश्चित समय है, समय सीमा खत्म नहीं होगी। ऐसी कई बार स्थितियां होती हैं जब अनेक महामारियां आई और अनेक महामारियों में इंसान ने उसका मुकाबला किया। यह बात सच है कि आज की स्थिति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह बात भी सच है कि पृथ्वी खत्म नहीं होगी। यदि पीछे ऐसा हुआ होता, पृथ्वी खत्म हुई हो गई होती, तो शायद आपका और हमारा जन्म न हुआ होता। क्योंकि हमारे बहुत पीछे से ही संबंध है, हम सिर्फ अपने पिता, दादा, दादा के पिता तक सीमित नहीं हैं। कहीं ना कहीं से हमारी डोर मानवता से जुड़ी हुई है। और हमारी ही क्या, जितने भी जीव जंतु पक्षी पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर, जितने भी जीव हैं, जितने भी चीज़ें हैं, सारी वस्तुएं पीछे से ही जुड़ी हुई हैं। हमारे और आपके सामने यह उत्पन्न नहीं हुई। आप यह सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला में हम जुड़े हुए हैं,
हमें सिर्फ अपने 3 से 4 पीढ़ियों का याद होगा, लेकिन जब से महामारी हैं तब से ही हमारा भी कहीं ना कहीं संबंध जुड़ता है, तभी तो हम आज पृथ्वी पर हैं। और यदि हम पृथ्वी पर हैं तो यह बात निश्चित हो गई कि अनेक महामारियां आई, हालांकि आपके और मेरी उम्र में अभी तक नहीं आई होंगी। यह पहली ऐसी महामारी होगी जिसके कारण समूचा विश्व लॉकडाउन की स्थिति में है और लॉकडाउन की स्थितियों का पालन कर रहा है, इस महामारी से जूझ भी रहा है। लेकिन जब उस समय की स्थिति रही होगी तो क्या उस समय भी बचाव नहीं रहा होगा? क्या ऐसा इतनी त्रासदी के कारण भी हम सब के जो मूलभूत आधार थे वह बचे हुए थे और उन्हीं से हमारी उत्पत्ति हुई? तो एक बात तो यहाँ साफ हो जाती है कि कितनी ही महामारियाँ झेल चुका है, झेल चुके हम पृथ्वी पर, लेकिन जितनी भी महामारियाँ आई हैं उसमें हमेशा विजय मानवता की ही हुई है, मानव की ही हुई है। जो चेचक, मलेरिया और टाइफाइड, पीला ज्वर जिसको पीलिया कहते हैं, तपेदिक इत्यादि बीमारियां थी, उनका भी आज के युग में टीका संभव है, लेकिन उनसे भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि एक दिन कोरोना वायरस का भी जरूर कोई ना कोई टीका निकलेगा, कोई इलाज अवश्य निकलेगा और फिर से मानव ही जीतेगा, बीमारी महामारी हारेगी। तो आप भी यदि किसी ऐसी गलतफहमी में थे कि इस पृथ्वी का विनाश होने वाला है, तो इस गलतफहमी को आज ही दूर करें, सकारात्मकता से सोचें। कुछ परेशानियां जरूर होंगी हम सबको, लेकिन उनका हमें पालन करना ही चाहिए, हमारे पास और कोई भी दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता। तो आप तब तक अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत ख्याल रखें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, जानकारी ज्योतिष की होंगी, जानकारी आप सबके भय को दूर करने की होंगी। हमारा यह प्रयास रहेगा किसी भी प्रकार से आपके मन में कोई भी भय बना न रहे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें, लॉकडाउन का पालन अवश्य करें। नमस्कार।